hello students here we are with our next chapter of english from class 6 and our book name is honey suckle today we will read our second chapter from unit 6 and our chapter name is the wonderful words this is a poem so take out your book honey suckle and open page number 82 in your book let's start द वंडरफुल वर्ड्स यानी अद्भुत शब्द तो देखो इसमें जो पोएट हैं मेरी ओनील जिन्होंने ये पोएम लिखी है तो वो पोएट कह रहे हैं कि जो आपके विचार हैं जो वर्ड्स हैं वो आपके जो विचार हैं वो आपके वर्ड्स के थ्रू बाहर आते हैं तो वो कह रहे हैं कि अपने विचारों को कभी भी अंदर मत दबाओ बल्कि उनको शब्दों में बाहर लेके आओ ठीक है तो वंडरफुल वर्ड्स मीन्स होता है कि अद्भुत शब्द जो शब्द हैं वो हमारे जो हम कहना चाहते हैं जो हमारे विचार हैं उनको क्या करते हैं बाहर लेके आते हैं हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं कि उसके माध्यम से कहते हैं शब्दों के माध्यम से कहते हैं ना तो इसलिए यहाँ पर वंडरफुल वर्ड्स से पोएट का मतलब यह है कि हम जो भी कहना चाहते हैं हमारी भावनाएँ है, जो भी होती हैं हमारे जो विचार होते हैं तो वो सब क्या होते हैं हम हमारे जो शब्द हैं उनके थ्रू बाहर आते हैं। तो वंडरफुल वर्ड्स अद्भुत शब्द इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज बिना भाषा के एक संसार की कल्पना करो ऑल ह्यूमन स्पीक्स ऑल ह्यूमन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज प्रत्येक मानव अंततः एक भाषा बोलते हैं कम से कम एक भाषा तो बोलते ही हैं तो ऑल ह्यूमेंस स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज सभी मानव कम से कम एक भाषा बोलते हैं द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट अवर थॉट्स जो शब्द हम बोलते हैं वे हमारे विचारों को बाहर लेके आते हैं रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स शब्द पर आधारित यह कविता पढ़ो तो शब्दों पर जो शब्द है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जो संसार है बिना भाषा के एक संसार को इमेजिन करो कह रहा है ठीक है तो बिना वर्ड के कोई भाषा ही नहीं होगी इंसान बोलेगा ही नहीं तो इमेजिन करो कैसा वर्ड कैसा लगेगा ठीक है तो फिर वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट अंत मतलब कम से कम सभी प्राणी क्या होते हैं एक भाषा तो बोलते ही हैं जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी कोई भी मतलब एक भाषा तो यूज़ करते ही हैं ठीक है थेके? और जो वर्ड्स होते हैं जो शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं वे हमारे जो विचार हैं उनको बाहर लेके आते हैं ठीक है और तो ये कविता जो शब्दों पर आधारित है उसके बारे में पढ़ो के रहे। नेवर लेट अ थाट श्रेवल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट All that you do is much is match the words to to the brightest thought in your head, so that they come out clear and true and handsomely groomed and, and fed for many of the loveliest things have never yet been said. Words are the food and dress of thought, they give it its, it, its body and swing and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing but only words can free a thought from its prison behind your eyes maybe your mind is holding now a marvelous new surprise mary Oni. so they go never let a thought shrivel and die अपने विचार को कभी मरने या शेवल मीन्स होता है मुरझाना ठीक है तो अपने विचार को मुरझाने और मरने मत दो फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू सी से इट यदि आप अपने विचारों को बताना चाहते हैं फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम इसके लिए अंग्रेजी एक अद्भुत खेल है एंड ऑल ऑफ ऑल ऑफ़ यू कैन प्ले इट और आप सभी इसे खेल सकते हैं तो मीन्स यहाँ पर पोयट जो कह रहा है जा रहा है कि अपने विचारों को कब कभी भी अभिव्यक्त किए बिना जाने मत हो मतलब आप अगर अपने कुछ अपने थाट्स से उनको अगर कहना चाहते हैं उन्हें कहो और सिर्फ इसलिए मत बोलो कि आप बोलना है या कैसे बोलना है या आप नहीं जानते तो फिर राइटर यहाँ पर कह रहे हैं जो अंग्रेजी भाषा है बहुत समृद्ध भाषा है और वह खजाना से भरी है और आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं वैसे तो सभी भाषाएं अच्छी होती हैं लेकिन राइटर ने यहाँ पर इंग्लिश की जो अंग्रेजी भाषा है उसको कहा है कि अंग्रेजी भाषा जो है बहुत अच्छी है आप भी उसे क्या कर सकते हो यूज़ कर सकते हो तो नेवर लेट अ थाट विल एंड टाई अपने विचार को कभी भी कभी मुरझाने या मरने नहीं देना चाहिए फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट यदि आप अपने विचारों को बताना चाहते हैं फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम इसके लिए अंग्रेजी एक अद्भुत खेल है एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट और आप सभी इसे खेल सकते हैं तो देखो अभी मतलब ये है कि अगर आप कहना चाहते हैं अपने विचारों को और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अंग्रेजी जो भाषा है उसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है वो बहुत वंडरफुल है वैसे तो सभी भाषाएं अच्छी होती हैं लेकिन यहाँ पर मेन जो राइटर है वो अंग्रेजी भाषा को फोकस कर रहा है तो वो कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी होती है और आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं मतलब कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं उस भाषा में ऑल दैट यू डू इज अ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थाट इन योर हैड आपके द्वारा किए आपके द्वारा व्यक्त किए गए सभी शब्द आपके दिमाग में सबसे उज्ज्वल विचारों से मेल खाते हैं तो ऑल यू डट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थाट इन योर हैड आपके द्वारा किए गए सभी शब्द आपके दिमाग में सबसे उज्जवल विचारों से मेल खाते हैं सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू इसलिए वे स्पष्ट और सच्चे रूप में बाहर आते हैं एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फीड और सुंदर रूप से तैयार और खिलाए जाए जाते हैं फॉर मैनी ऑफ द लवलीएस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सैड कई प्यारी चीज़ों के लिए अभी तक नहीं कहा गया है तो देखो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि All that you do is अ is the match of words to the brightest thought in your thoughts in your head, जो भी आप कहते हैं वो आपके दिमाग में सबसे उज्जवल विचारों से मेल खाते हैं तो ठीक है जो वर्ड आप मतलब ये कि जो आप वर्ड बाहर निकालते हैं जो वर्ड आप कहते हैं वो आपके जो दिमाग में विचार हैं उसके लिए आप क्या करते हैं सही विचार जो आपके दिमाग में जो विचार हैं उनके लिए आप सही शब्द क्या करते हैं ढूंढते हैं ठीक है जो अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए बिल्कुल जो सटीक वर्ड उसमें बैठता है जो सटीक सटीक शब्द होते हैं आप उनको चुनते हैं और अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं ठीक है तो टू द ब्राइटेस्ट थाट इन योर हैड तो ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थाट इन योर हैड आपके द्वारा किए दिए गए सभी शब्द आपके दिमाग में से सबसे उज्जवल विचारों से मैल मैच मैच से मेल खाते हैं सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू इसलिए वे स्पष्ट और सच्चे रूप में बाहर आते हैं ठीक है तो आपके दिमाग में जो भी दिमाग होते हैं तो आपके जो थॉट हैं विचार जो होते हैं वो बाहर आते हैं इसलिए क्या होता है कि वे सच्चे और स्पष्ट होते हैं And handsomely groomed and feed, और सुंदर रूप से तैयार और खिलाए जाते हैं फॉर things ऑफ द yet थिंग्स said, कई प्यारी चीजों के लिए अभी तक कुछ नहीं कहा गया है तो देखो मीन्स यहाँ पर यह है कि जो आपके दिमाग में जो भी विचार के लिए सही शब्द जो पा सकते हैं और अभिव्यक्ति दे सकते हैं और जब के दिमाग होते हैं उसमें विचारों के लिए आप सही शब्द ढूंढ सकते हैं किसमें अंग्रेज़ी में और अभी आप क्या कर सकते अपनी हैं अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं और राइटर कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ें हैं जिनको शब्दों की कमी के कारण नहीं कहा कहा गया है ठीक है तो मतलब वो कह रहा है कि जो आप सोचते हैं वो आप के दिमाग में जो विचार होते हैं वो शब्दों से मैच खाने खाने चाहिए आपके मतलब जो आप सब जो भी आप सोचते हो आपके शब्दों जो विचार बाहर आते हैं फिर वो आपके शब्दों से क्या होने चाहिए मैच होने चाहिए कहता है ठीक है और वो कह रहा है कि अभी तक बहुत सी ऐसे शब्द हैं जिन बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिनको शब्दों सब, की कमी के कारण जिनको अभी अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया है बहुत अच्छी चीज़ें हैं लेकिन उनके लिए शब्दों की कमी होने के कारण अभी तक उनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो देखो नेवर लेट अ थाट स्ट्रीविल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट विचार को कभी मरने या मुरझाने नहीं देना चाहिए आपको अगर अपने विचारों को बताना है फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम क्यों इसके लिए अंग्रेजी एक अद्भुत खेल है एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट और आप सभी खेल सकते हैं ऑल दैट यू डू इज द मैच ऑफ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थाट इन योर हैड आपके द्वारा दिए गए सभी शब्द आपके दिमाग में से मैं सबसे उज्जवल विचारों से मेल खाते हैं सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू इसलिए वे स्पष्ट और सच्चे रूप से बाहर आते हैं एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेयर और सुंदर रूप से तैयार और खिलाए जाते हैं फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड कई प्यारी चीज़ों के लिए अभी तक कुछ नहीं कहा गया है तो इसका मीन्स यही है कि राइटर अगर इसको अपने शब्दों में लिया जाए तो इसका ये अर्थ है जो राइटर ये कह रहे हैं कि आ, कि आपका अगर कोई भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो उन्हें व्यक्त करिए उन्हें मुरझाने मत दीजिए उन्हें व्यक्त करिए आप विचार व्यक्त करना चाहते हैं और अगर आपको तो आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं कह रहे हैं वो जो खजानों से भरी है ठीक है और आप इसको उपयोग कर सकते हैं ये बहुत समृद्ध भाषा है कह रहे हैं और जो कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो विचार हैं उनके लिए सही शब्द ये दे सकते हैं और आप उसको क्या कर सकते हैं अभिव्यक्त कर सकते हैं और ये ये भी कह रहे हैं कि अभी तक बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें शब्दों की कमी के कारण नहीं कहा गया तो मीन्स वो ये कि आप भी अपनी भाषा जो है उसको पूरी तरह से क्या किया जा रहा है यहाँ पर भाषा सीखने के लिए जोर दिया जा रहा है ठीक है तो अपने विचारों को कह रहे हैं कि मरने मत दीजिए उन्हें आप अंग्रेजी भाषा के साथ क्या कर सकते हैं अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ठीक है फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग तो कह रहे हैं कि जो शब्द हैं भोजन और विचारों की पोशाक है ठीक है फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट शब्द भोजन शब्द विचारों के भोजन और पोशाक हैं ठीक है तो जो शब्द हैं वो हमारे जो थॉट हैं हमारे विचार जो हैं उनके क्या हैं पोशाक और भोजन हैं दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग वे उसे अपना शरीर और गति देते हैं एंड एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू हीयर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग और हर किसी को आज ताज़ा और सुंदर चीज़ सुनने की लालसा है बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट लेकिन शब्द ही किसी विचार को मुक्त कर सकते हैं बट फ्रॉम इट्स प्रीजन बिहाइंड योर आइज़ आपकी आँखों के पीछे से ठीक है जो उसकी जेल है फ्रॉम इट्स प्रीजन बिहाइंड योर आइज़ आपकी आँखों के पीछे से पीछे की जेल से तो देखो बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रीजन बिहाइंड योर आइज केवल शब्द ही किसी विचार को आपकी आँखों के पीछे की जेल से मुक्त कर सकते हैं मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज शायद आपके मन में अभी भी कुछ अद्भुत नया आश्चर्य पकड़ सकता है या आपके मन में अभी भी कुछ नया या आश्चर्य मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज हो सकता है कि आपके दिमाग में अभी भी कुछ अद्भुत नया आश्चर्य चल रहा हो तो देखो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट दे गिव इट इट्स ब्यूटी बॉडी एंड स्विंग शब्द विचारों की भोजन विचारों के भोजन और पोशाक हैं वे उसे अपना शरीर और गति देते हैं तो देखो मीन्स यहाँ पर है कि जो वर्ड्स हैं वही विचारों को क्या देते हैं संरचना देते हैं आपके जो शब्द हैं वही विचारों को संरचना देते हैं मीन्स उनके ड्रेस और फूड है का मतलब क्या होता है कि आपके जो विचार हैं वो शब्दों के माध्यम से ही बाहर आते हैं इसलिए वो उनकी संरचना कैसी विचार जो है वो उन्हें क्या देते हैं संरचना देते हैं जैसे मान लो आप किसी के लिए अच्छा बोलेंगे तो आप पहले शब्द ढूंढेंगे कि इसके लिए मुझे क्या अच्छा बोलना है तो पहले आप सोचेंगे ना फिर जाके आपके बाहर निकलेंगे थॉट्स उस अच्छी चीज़ के बारे में ऐसी कोई बुरी चीज़ है तो उसके लिए भी आप शब्द ढूंढेंगे कि इस बुरी चीज़ को कैसे कहा जाएगा ठीक है तो इसलिए कहा गया है कि जो आपके शब्द हैं वो विचारों को क्या देते हैं संरचना देते हैं उनको बनाते हैं वो एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हेयर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग और हर किसी को आज ताज़ा और सुंदर चीज़ सुनने की लालसा है मीन्स हर कोई अच्छे विचारों को सुनना चाहता है बुरी चीज़ कोई नहीं सुनना चाहता बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रीजन बिहाइंड यूर आइज लेकिन केवल शब्द ही किसी विचार को आपकी आँखों की जेल आपकी आँखों के पीछे की जेल से मुक्त कर सकते हैं मीन्स कि आपके जो दिमाग जो आँखों के पीछे जो मस्तिष्क में बंद विचार हैं उनको सिर्फ शब्दों से ही क्या मिल सकती है मुक्ति मिल सकती है ठीक है जो शब्द ही आपके आँखों के पीछे जो मस्तिष्क में बंद विचार हैं उनको कैद से कैद से मुक्ति दिला सकते हैं है। मीन जो आपकी आँखों के पीछे यानी जो मस्तिष्क है जहाँ पर आपके विचार कैद हैं तो वर्ड्स के थ्रू ही क्या हो सकते हैं बाहर आ सकते हैं ठीक है मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाव अ मार्वलस न्यूज सरप्राइज हो सकता है आपके मन में अभी भी कुछ अद्भुत या नया आश्चर्य चल रहा हो तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी भी आपके दिमाग में इस समय भी आपके दिमाग में कुछ सुंदर या विस्मयकारी विचार चल रहा हो ठीक है तो देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है राइटर जो है उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके विचार हैं उनको आप आपने मुरझाने नहीं देना है ठीक है तो सिर्फ इसलिए कि आप नहीं जानते कि कैसे बोलना है और यह शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए तो इस वजह से ही सिर्फ इसी वजह से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त किए बिना जाने मत दोगेरा उन्हें एक्सप्रेस करोगे तो इसके लिए वो अंग्रेजी भाषा को यहाँ पर कह रहे हैं वैसे तो सभी भाषाएँ अच्छी होती हैं लेकिन वो अंग्रेजी भाषा पर जोर डाल रहे हैं यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है और जो खजानों से भरी है तो आप इसका क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं तो ये आ, मतलब आप आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और जो आप फिर आप अपने दिमाग में क्या सक क्या कर सकते हैं विचारों के सही शब्द ला सकते हैं ठीक है और उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं और अभी भी राइटर ये कह रहे हैं पोएट ये कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शब्दों की कमी के कारण नहीं कहा गया है अभी उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया गया है बहुत सुंदर चीज़ें अभी भी हैं लेकिन उन्हें सही शब्दों की कमी के कारण अभी तक तो उन्हें अभिव्यक्त नहीं किया गया है तो ये पहले वाले में राइटर यही कहना चाह रहे हैं तो मतलब पोएटिक वे में कह रहे हैं लेकिन उनका सार यही है कि, कि भाषा को सही और पूरी तरह से सीखने पर उनका जोर दिया जा रहा है ठीक है तो पहले में वो कह रहे हैं लेवर लेटर थाट शिवल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट अब विचारों को मरने या मुरझाने नहीं देना चाहिए अगर आपने अपने विचारों को बताना है फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम इसके लिए अंग्रेजी एक अच्छा खेल है एंड यू कैन प्ले इट और आप इसे खेल सकते हैं एंड दैट डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटनेस थाट इन योर हैड और आपके द्वारा दिए गए सभी शब्द आपके दिमाग में सबसे उज्जवल विचारों से मेल खाते हैं सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू इसलिए वे स्पष्ट और सच्चे रूप में बाहर आते हैं एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फिट और उन्हें सुंदर रूप से तैयार और खिलाया जाता है फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड कई प्यारी चीज़ें हैं जिनके लिए अभी तक कुछ नहीं कहा गया है तो वही है यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि इंग्लिश की भाषा यूज़ करिए तो उसके माध्यम से आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे जिसको आप बाहर एक्सप्रेस करिए और बहुत सी चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनको विचारों के अभाव के कारण अभी तक अभिव्यक्त नहीं किया गया है एंड सेकेंड स्टैंड में राइटर ये कह रहा है कि जो शब्द हैं वो हमारे विचारों को क्या देते हैं संरचना देते हैं अगर हम कुछ थाट एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमारे वर्ड जो हैं वह उन्हें संरचना देते हैं और जो शब्द हैं वही जो हमारे आंखों के पीछे मस्तिष्क है जिसमें हमारे विचार कैद हैं उन्हें हमारे जो शब्द हैं वही क्या कर सकते हैं मुक्ति दिला सकते हैं उन विचारों को हमारे दिमाग से बाहर और फिर कह रहे हैं राइटर कि आपके दिमाग में इस समय भी कोई अति सुंदर या विस्मयकारी विचार चल रहा होगा तो देखो व्हाट्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थाट शब्द विचारों के भोजन और पोशाकें हैं दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग वे उसे अपना शरीर और गति देते हैं एंड एवरी वन लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग और हर किसी को आज ताज़ा और सुंदर चीज़ सुनने की लालसा है बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थाट इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज और लेकिन शब्द ही किसी विचार को आपकी आंखों के पीछे से की कैद से मुक्त करा सकते हैं मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज हो सकता है संभवतः आपके दिमाग में इस समय भी कोई अति सुंदर या नया विस्मयकारी विचार चल रहा हो तो देखो कह रहे हैं कि, कि जो शब्द है वही हमारे विचारों को संरचना देते हैं और शब्द ही हमारे जो आँखों के पीछे में जो मस्तिष्क है उसमें जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको क्या कर सकता है मुक्ति दिला सकता है ठीक है तो मीन्स यहाँ पर पोएट uh, जो है वो ऑल ओवर यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जो विचार हैं उनको बाहर निकालिए तो वो कह रहे हैं कि मतलब कि वर्ड्स के थ्रू ही आप अपने विचारों को बाहर निकाल सकते हैं तो वर्ड्स अगर नहीं होते अगर हम वर्ड्स को अच्छी तरह से नहीं एक्सप्रेस कर नहीं अगर वो संरचना करेंगे तो हमारे जो विचार हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं आएंगे तो शब्द मतलब शब्द कहे हैं राइटर ने यहाँ पर ने कि शब्द ही वो चीज है जो हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम थैंक यू नाउ टर्न द पेज एंड ओपन यूनिट सेवन इन योर बुक फेयर प्ले सो दिस इज़ अवर यूनिट सेवन and our first chapter from this unit is fair play so take out seven unit and page number 84 in your book to bachcho abhi hum apna six unit hamari complete hui hai now ab hum unit 7 padhenge jiska chapter hai fair play तो fair play यानी होता है न्याय न्यायपूर्ण व्यवहार करना ठीक है उसको बोलते हैं fair play तो देखो इसमें दो फ्रेंड हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो कैसे जो अलगू चौधरी होता है वो कैसे यहाँ पर जब उसको पंच बना दिया जाता है सरपंच बनाया जाता है तो वो कैसे जो जुम्मन की चाची होता है चाची होती है उसके लिए कैसे न्याय करता है उसमें ये उसमें इस स्टोरी में आपको बताया गया है जिसका नाम है फेयर प्ले ओके okay, यानी न्यायपूर्ण व्यवहार फेयर प्ले फेयर प्ले, प्ले की मीनिंग होता है न्यायपूर्ण व्यवहार बिफोर यू रीड इससे पहले हैज यूर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थाट वाज रॉन्ग क्या आपके कभी अच्छे मित्र ने कुछ ऐसा किया है जिसे आप गलत समझते हैज़ यू एवर हैज़ यूर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थाट वज रॉन्ग कभी आपके अच्छे दोस्त ने ऐसा किया है जिसे आप गलत समझते हैं वट डिड यू डू धैन तब आपने क्या किया डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योअर फ्रेंड वट यू थाट क्या आप चुप रहे या आप अपने या आप अपने दोस्त या आपने अपने दोस्त को बताया कि आप क्या सोचते हैं रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड वट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप एन एनिमी और अ सेंस ऑफ वट इज़ राइट एंड वट इज रॉन्ग रीड दिज स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स दो दोस्तों के बारे में या कहानी पढ़ो हु हैड टू डिसाइड वट वॉज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप एंड एनीमी जिन्होंने यह निश्चित किया कि क्या चीज़ अधिक महत्वपूर्ण है दोस्ती और दुश्मनी और अ सेंस ऑफ वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग और क्या गलत है और क्या सही है उसकी एक समझ तो देखो आपसे कह रहे हैं कि कभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने सबसे अच्छे दोस्त ने कभी ऐसा कुछ किया है जिसको आप समझते थे कि वो गलत था तो फिर आपने क्या किया क्या आपने उस क्या आप चुप रहे या आप अपने फ्रेंड को बताया कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में ठीक है तो अब ये स्टोरी है ये कहानी है जो दो, दोस्तों के बारे में है जो ये डिसाइड करते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी में जो इनमिटी है तो इनमिटी मीन्स होता है शत्रुता यानी जो दूसरी और शत्रुता है उसमें क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमिटी मीन्स होता है दुश्मनी या शत्रुता तो उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक समझ क्या सही है और क्या गलत है तो फेयर प्ले, प्ले पार्ट वन फेयर प्ले मीन्स होता है न्यायपूर्ण व्यवहार भाग एक जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे सो स्ट्रॉन्ग वॉज द अबोंड ऑफ़ फ्रेंडशिप दैट वेन आइदर ऑफ दैम वेंट अवे फ्रॉम द वलेज द अदर लुकड आफ्टर हिज फैमली उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब भी उनमें से एक गाँव से बाहर जाता तो दूसरे दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज गांव में दोनों का बहुत सम्मान किया जाता था तो देखो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी है दो अच्छे दोस्त थे वे क्या थे अच्छे दोस्त थे और इतनी जो उनकी सो स्ट्रॉन्ग वज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वैन आइदर ऑफ द वेंट अवे फ्रॉम द विलेज उनमें से जब एक गांव से बाहर जाता द अदर लुकड आफ्टर हिस फैमिली तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था बोथ फॉर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज गांव में दोनों का बहुत सम्मान किया जाता था तो देखो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख थे क्या थे बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी जो बॉन्डिंग थी मित्रता जो थी इतनी अच्छी थी इतनी गहरी थी कि अगर उनमें से एक भी गांव से बाहर जाता जो तो दूसरा जो होता उसके परिवार की देखभाल करता अगर जुम्मन शेख बाहर जाता तो अलगू चौधरी उसके आ, परिवार की देखभाल करता और अगर अलगू चौधरी बाहर जाता तो जुम्मन से उसके परिवार की देखभाल करता ठीक है तो बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज दोनों का गांव में बहुत सम्मान किया जाता था जम्मू है, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ संपत्ति थी दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम टू ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड वुड लुक आफ्टर हर एंड ही वुड लुक आफ्टर हर लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना ट्रांसफर्ड मीन्स होता है स्थानांतरित करना अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना तो दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर इसको उसने यह समझकर उसके नाम स्थानांतरित कर दिया था कि वह उसके साथ रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा तो देखो जुम्मन की जो चाची थी उनके पास क्या थी प्रॉपर्टी थी जिसे उन्होंने जुम्मन को क्या था जुम्मन के नाम कर दिया था उसके नाम स्थानांतरित कर दी थी अपनी प्रॉपर्टी यह सोचकर कि वह बुढ़ापे में उसके साथ रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा ठीक है तो जुम्मन हैड एन ओल्ड आंटू हैड सम प्रॉपर्टी जुम्मन के पास एक बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ संपत्ति थी दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड वुड एंड ही वुड लुक आफ्टर हर जिसको उन्होंने यह समझकर उसके नाम स्थानांतरित कर दिया कि वह उसके साथ रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगी करेगा तो जुम्मन को उसने अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी थी यह सोचकर कि वह उसके साथ रहेगी और वह जुम्मन जो है उसकी देखभाल करेगा the arrange the arrangement worked well for a couple of year couple of year arrangement means होता है तो जो arrangement था या जो समझौता था या तो ये जो arrangement था यानी तो जो, या जो व्यवस्था थी वह कुछ दिनों तक अच्छी चली the arrangement worked well for a couple of years यह व्यवस्था कुछ वर्षों तक सही चली या इस व्यवस्था ने कुछ वर्षों तक सही काम किया दैन द सिचुएशन चेंज्ड फिर परिस्थितियाँ बदल गईं जुम्मन एंड हिज़ फैमिली व टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव जुम्मन और उसका परिवार पुराने रिश्तेदार से थक चुका था Juman became an indifferent as indifferent to her as his wife, who gorged who even the little food that the old lady wanted every day. Juman became as indifferent uh, to her as his wife. Indifferent means Utah Udasin. Juman uske prati uske patni ke Samani Udasin ho gaya, who gushed even the little food that the old lady वांटेड एवरी डे जो उसे थोड़ा सा भोजन भी अनिच्छा से देती थी जिसे बूढ़ी औरत रोज़ चाहती थी गर्लस्ट मीन्स होता है अनिच्छा से देना कोई भी चीज़ अनहैप्पी होके देना ठीक है तो अब इसमें कहा गया है कि जो जुम्मन था तो देखो जुम्मन के पास जुम्मन की जो आंट थी उसके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने जुम्मन के नाम ट्रांसफर कर दी थी यह सोच कर की वह उसके पास रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा तो द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर यह इस व्यवस्था ने गत कुछ वर्षों तक सही काम किया मीन्स थोड़े दिनों तक यह व्यवस्था सही चली देन द सिचुएशन चेंज फिर परिस्थितियाँ बदल गई जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव जुम्मन और उसका परिवार बूढ़े रिश्तेदार से थक चुके थे जुम्मन बिकेम एज इन to टू हर एज हिज वाइफ जुम्मन उसके प्रति उसकी पत्नी के समान उदासीन हो गया मतलब उतना ही उदासीन हो गया वो जो अपनी चाची के प्रति जितनी उसकी वाइफ थी उसकी पत्नी थी हु है हु गर्ज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे जो उसे थोड़ा सा भोजन भी अनिच्छा से देती थी जिसे बुरी औरत रोज़ चाहती थी तो ठीक है तो जुम्मन थोड़े दिनों तक तो, तो उनका सही चला लेकिन जुम्मन फिर धीरे धीरे जुम्मन और उसके परिवार को जो उनकी वो चाची थी बूढ़ी चाची वह बुरी लगने लगी ठीक है तो फिर जो जुम्मन था वो भी अपनी पत्नी जो है उसके समान ही उदासीन होने लग रहने लगा अपनी चाची के लिए और वो जो जो थी उसको बहुत जो भोजन चाहती थी उसकी चाची जितना भोजन चाहती थी उसे भी बहुत अनिच्छा से वह देती थी सी सैलोड दिज इंसर्ट अलोंग विथ हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स सैलोड मीन्स होता है पी लेना ठीक है तो निगल लिया सैलोड मीन्स होता है निगलना या पीना सी सैलोड दिस इंसल्ट अलोंग विथ हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स उसने कुछ महीनों तक भोजन के साथ इन अपमानों को निगल लिया बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स लेकिन धैर्य की अपनी सीमा होती है धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं तो देखो जब इस तरह से वो करती थी तो सी सैलोड दिस इंसर्ट अलॉन्ग विथ फूड फॉर अ मंथ्स उसने इस अपमान को कुछ महीनों तक भोजन के साथ निगल लिया मीन्स जिस तरह से वो भोजन निकलती थी उसी तरह से उन अपमानों को भी उसने निकल लिया बट पेशेंस हैज़ नो हैज़ इट्स लिमिट्स लेकिन धैर्य की भी अपनी सीमा होती है। तो कुछ टाइम तक तो उसने जैसे भोजन निकलती थी मीन्स कहने का मतलब ये था कि जैसे भोजन वो निकलती थी इसी इसी तरह से उसने अपमान को भी निकल लिया लेकिन जो धैर्य होता है उसकी अपनी सीमाएं होती हैं इंसान एक ही सीमा तक एक उसी चीज़ को सहन कर सकता है ठीक है वन डे सी स्पोक्स जुमन माय सन इट इज़ नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस एक दिन उसने जुमन से कहा मेरे बेटे अब यह स्पष्ट है कि तुम्हारे घर में मुझे कोई नहीं चाहता तो देखो ओबियस मीन्स होता है स्पष्ट वन डे सी स्पोक्स टू जुम्मन माई सन इट इज़ नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस मेरे एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा मेरे बेटे अब यह स्पष्ट है कि तुम्हारे घर में मुझे कोई नहीं चाहता काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन काइंडली मीन्स कृपया अलाउंस अनाउंसमेंट्स होता है भत्ता मासिक भत्ता ठीक है ना मंथली अलाउंस मींस होता है मासिक भत्ता सेपरेट मीन्स होता है अलग तो कह रहा है काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन कृपया मुझे एक मासिक पत्ता दे दें ताकि मैं एक अपनी एक अलग रसोई बना सकूं। माय वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस मेरी पत्नी को पता है कि घर कैसे चलाना है कि घर को अच्छे से कैसे चलाना है बी पेशेंस धैर्य रखो तो कहता है जब उसकी जब चाची उसकी कहती है कि अब ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम्हारे घर में मुझे कोई नहीं चाहता है तो कहती है कि कृपया मुझे मासिक पत्ता दे दो महीने का कुछ पैसे दे दो जिसकी वजह से मैं क्या कर सकूँ एक अपने लिए सेपरेट रसोई अलग से किचन बना सकूँ तो मुझे हर महीने कुछ पैसे दे, दे देना ठीक है तो कहता है कि माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस मेरी पत्नी को अच्छी तरह से पता है घर कैसे चलाना है बी पेशेंस धैर्य रखो सेट जुम्मन शेमलेसली शेमलेसली लेसली मीन्स होता है बेशर्मी से जुम्मन ने बेशर्मी से कहा दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू विलेज पंचायत केस मीन्स होता है मामला इसे इससे उसकी चाची बहुत नाराज़ हो गई और उसने अपना मामला ग्राम पंचायत में ले जाने का फैसला किया तो देखो अब वो कहता है उससे कि जो जब उसकी चाची को पता चल जाता है तो उससे वो एक दिन कहती है कि अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारे घर में मुझे कोई नहीं चाहता कोई नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर में रहूँ तो तुम मुझे महीने का भत्ता दे दो महीने के कुछ पैसे दे दो जिसकी वजह से जिस जिससे मैं अपना अलग किचन बना सकूं तो वो बेशर्मी से कहता है कि मेरी जो बीवी है जो पत्नी है उसको अच्छी तरह से पता है कि घर को कैसे चलाना है और फिर इसकी वजह से जो उसकी चाची जो होती है वो बहुत गु़स्सा हो जाती है और फिर जो अपना मामला होता है वो गाँव की जो पंचायत होती है उसके पास ले जाने का फैसला करती है तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थैंक यू एंड हैव अ